सत श्री अकाल, टॉप 10 न्यूज़ देख रहे हैं सारे दर्शकों का स्वागत है। बंगलादेश बीते दिन आम चोणा हुई, शेख हसीना पांचवी बार प्रधानमंत्री बन जा रही है। बंगलादेश की प्रधानमंत्री अवामी लीग की मुखी शेख हसीना ने मुख विरोधी धिर बंगलादेश नैशनलिस्ट पार्टी वालों चोणा के बाइकाट और छुट पुट की हिंसा दरमियान गोपालगंज संसदीय सीट से मुड़ जीत हासिल की। जानकारी मुताबिक शेख हसीना 2,49,965 वोटा मिली, जदों की उन्होंने नजदीकी विरोधी बंगलादेश सुप्रीम पार्टी के एम निजाम उद्दीन लक्ष्य नूं सिर्फ 469 वोटा मिली। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के सिविल लाइन खेत्र च बंद कमरे च गैस हीटर कारण दम घुटन कारण 2 साल के बच्चे की मौत हो गई। उसके माता पिता और भैन नूं गंभीर हालत च हस्पताल दाखिल करवाया गया। पुलिस सूत्रों ने कहा कि वसीम उसकी पत्नी अफसाना अपने बच्चियां इलमा और अमान नाल रात नूं कमरे अंदर सो रही थी। ठंड तो बचा लई कमरे च गैस हीटर चल रहा है। उन्होंने दसिया कि सवेरे गवांडियों नूं ओह बेहोश हालत च मिले और उन्हां नूं हस्पताल लिजाया गया, जिथे डॉक्टरों ने अमान नूं मृतक ऐलान कर दिता। परिवार के होर मैंबरां की हालत गंभीर बनी हुई है, उन्हां दा हस्पताल च इलाज किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात 2002 के दंगों दौरान बिल्किस बानो नाल समूहिक जबरजना और उसके परिवार के 7 मैंबरों के कतल के मामले च 11 दोषियों को सजा तो छोट देने दे राज सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। जज बीवी नागंतन और जज उज्जवल बुइया की बैच ने सजा च छोट को चुनौती देने वाली जनहित पटिशनों को सुनवाई योग करार देते हुए कहा कि गुजरात सरकार सजा च छोट का आदेश देने लई उची सरकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 दोषियों नूं 2 हफ्ते अंदर जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिता है। कोर्ट ने दोषियों की सजा मुआफी के दूजे बैच ने 13 मई 2022 के आदेश से कहा कि यह अदालत नूं गुमराह करके हासिल किया गया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया च एक तो बाद एक 35 गड्डियां की आपस च टक्कर हो गई। इस हादसे च 2 लोगों की मौत हो गई और 9 होर जख्मी हो गए। इस हादसे कारण केरन काउंटी च दक्षण वल जाण वाला अंतरराजी मार्ग 24 घंटे तो वध समय लई बंद रहा। जानकारी मुताबिक लॉस एंजलस तो लगभग 170 किलोमीटर उत्तर च वेरकस फील्ड कोल दक्षण वल स्थानक समय मुताबिक सवेरे 7:30 बजे हुई टक्कर लई एमरजेंसी टीम नूं बुलाया गया और फिर घोषणा की गई कि हफड़ा दफड़ी वाले हालातों च 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे च 35 वाहन शामिल सन, जिन्हां च 17 यात्री वाहन और 18 वड्डियां गड्डियां शामिल सन। कांग्रेस हाईकमान वालों देश भर के लोग सभा हलकों लई कोआर्डीनेटर नियुक्त कर दिए गए ने। पंजाब की गल करिए गुरदासपुर तो इंद्रवीर सिंह बुलारिया, अमृतसर तो सुखपाल सिंह भुल्लर, खडूर साहब तो प्रगट सिंह, जलंधर तो सुखविंदर सिंह सरकारिया, हुशियारपुर तो अश्विनी शर्मा नूं कोआर्डीनेटर लाया गया है। इस तो इलावा आनंदपुर साहब तो पवन, लुधियाना तो राजकुमार चंबेवाल, फतेहगढ़ साहब तो हरिंद्रपाल सिंह हैरीमान, फरीदगढ़ तो कृष्ण कुमार अग्रवाल, फिरोजपुर तो सुखविंदर सिंह डैनी नूं कोआर्डीनेटर लाया गया है। जबकि बठिंडा तो हरदयाल सिंह कंबोज, संगरूर तो रणदीप सिंह नाभा और पटियाला तो गुरकीरत सिंह नूं लोक सभा चोणां लई कोआर्डीनेटर नियुक्त किया गया है। पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ समेत उत्तरी भारत च पिछले कई दिनों तो पै रही संघनी धुंद कड़ाके की ठंड का कहर लगातार जारी है। संघनी धुंद करके जिथे विजिबिलिटी घट गई है, उत्थे ही शीत लहर ने जनजीवन प्रभावित कर दिता है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक पंजाब च कुछ थावां ते हल्का मीह पैण की संभावना दसी, जदों के सूबे च ठंड का कहर आने वाले दिनों च भी जारी रहेगा। अगले दिनों दौरान उत्तरी पछमी मध्य भारत च तेज ठंड के नाल नाल मीह पै सकदा है। IMD अनुसार पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश 8 जनवरी तो 10 जनवरी तक गर्ज नाल मीह और गड़ेमारी पैण की संभावना है। PRTC कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स यूनियन पंजाब की मीटिंग सूबा प्रधान रेशम सिंह गिल और सूबा सीनियर मीत प्रधान बलविंदर सिंह राठ, हरकेश कुमार विक्की की प्रधानगी हेठ हुई। इस च सूबे के 27 डिपुआ के आगुआ ने भाग लिया और आगुआ ने पंजाब सरकार नीतियां बारे विचार वटांदरा करदिया ट्रांसपोर्ट मुलाजमान दीयां समस्यावां अते मंगां बारे विचार वटांदरा कीता अते इस दौरान केंद्र सरकार दी आलोचना भी कीती। इस दे नाल ही उन्हां ने 13 फरवरी तो 15 फरवरी तक रोड जाम करन दा ऐलान भी कीता। दिल्ली हाई कोर्ट ने आबकारी घुलाटे च संबंधित मनी लॉन्डरिंग मामले च गिरफ्तार आम आदमी पार्टी दे सीनियर आगू अते राज सभा मैंबर संजय सिंह दी जमानत पटीशन ते ED तो जवाब मंगया है।
जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बैच ने ईडी नूं नोटिस जारी करके सुनवाई 29 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। संजय सिंह ने राउज एवन्यू अदालत के 22 दिसंबर के फैसले नूं चुनौती दी जिस च उस नूं जमानत देने तों इनकार किया गया है। पंजाब च पै रही कड़ाके की ठंड कारण स्कूलों च कीतियां गईयां छुट्टियां दौरान पंजाब सरकार ने नवे हुक्म जारी किए ने। इन्हां हदायतां अनुसार 8वीं तो 10वीं जमात तक के सारे विषयां दीयां ऑनलाइन क्लासां कंपलसरी ने अते सारे अध्यापक सवेरे 10 बजे तो 3 बजे तक के टाइम टेबल अनुसार अपने अपने विषयां दीयां ऑनलाइन क्लासां लगाउणगे। संबंधित स्कूल मुखी अते जिला अधिकारी इन्हां क्लासां नूं मोनीटर करनगे। इस तों इलावा प्रायमरी मिडल अते हाई स्कूल मुकम्मल तौर ते 14 जनवरी तक बंद रहणगे। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल अते पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुजरात च आम आदमी पार्टी दे विधायक चैत्र बसावा दे समर्थन च जनतक मीटिंग कीती। दोवां आगुआं ने भाजपा ते तिखे हमले करदियां कहा कि बसावा अते उन्हां दी पत्नी नूं गुजरात दी भाजपा सरकार ने झूठे केस च गिरफ्तार कीता है। मुख्यमंत्री मान अते केजरीवाल ने अज जेल च चैत्रा बसावा नाल मुलाकात भी की। इस मौके जनसभा नूं संबोधन करदिया मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि चैत्र बसावा नूं भाजपा सरकार ने आदिवासियों अते गरीब लोकां लई लड़न लई जेल च डक दिता है, पर जेल जाण नाल उन्हां दा हौसला कमजोर नहीं होवेगा, सगों ओह होर मजबूत हो के बाहर आउणगे। फिलहाल टॉप 10 न्यूज इन्ना ही, मैनूं दिओ इजाजत, धन्नवाद।